केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी अनुराग ठाकुर, असम सरकार के मंत्रीगण, अन्य महानुभाव और देश के कोने कोने से उपस्थित युवा एथलीट्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में आप सभी से जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। इस बार नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों में अलग अलग शहरों में ये गेम्स होने जा रहे हैं। इन खेलों का मैस्कट एक तितली अष्टलक्ष्मी को बनाया गया है। मैं अक्सर पूर्वोत्तर के राज्यों को भारत की अष्टलक्ष्मी के रूप में देखता हूं और बोलता भी हूं। इन गेम्स में एक तितली को मैस्कट बनाया जाना इस बात का भी प्रतीक है कि कैसे नॉर्थ ईस्ट की आकांक्षाओं को नए पंख मिल रहे हैं। मैं इस इवेंट में हिस्सा लेने आए सभी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। देश के कोने कोने से आए आप सभी खिलाड़ियों ने गुवाहाटी में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भव्य तस्वीर बना दी है। आप जमकर खेलिए, डटकर खेलिए, खुद जीतिए, अपनी टीम को भी जिताइए और हार गए तो भी टेंशन नहीं लेना है। हारेंगे तो भी यहां से बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। साथियों, मुझे खुशी है कि आज उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्वी भारत तक देश के हर कोने में खेलों से जुड़े ऐसे आयोजन हो रहे हैं। आज हम यहां नॉर्थ ईस्ट में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के साक्षी बन रहे हैं। कुछ दिन पहले लद्दाख में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन हुआ था। उससे पहले तमिलनाडु में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए। उससे भी पहले भारत के पश्चिमी तट के दीव में भी बीच गेम्स आयोजित हुए थे। ये आयोजन बताते हैं कि देश के कोने कोने में युवाओं को खेलने के लिए, खिलने के लिए ज्यादा से ज्यादा मौके मिल रहे हैं। इसलिए मैं असम सरकार और अन्य राज्य सरकारों को भी इस आयोजन के लिए बधाई देता हूं। साथियों, आज समाज में खेलों को लेकर मन भी बदला है और मिजाज भी बदला है। पहले माता पिता अपने बच्चों को किसी से मिलवाते समय खेलों में उनकी सफलता को बताने से बचते थे। वो सोचते थे कि खेलों की बात करेंगे तो ये इंप्रेशन जाएगी कि बच्चा पढ़ता लिखता नहीं है। अब समाज की ये सोच बदल रही है। अब माता पिता भी गर्व से बताते हैं कि मेरे बच्चे ने स्टेट्स खेला, नेशनल खेला या फिर ये इंटरनेशनल मेडल जीतकर आया है। साथियों, आज समय की मांग है कि हम खेलों को बढ़ावा देने के साथ ही खेलों को सेलिब्रेट भी करें और ये खिलाड़ियों से ज्यादा समाज का दायित्व है। जिस तरह 10वीं या 12वीं बोर्ड के नतीजों के बाद अच्छे नंबर वाले बच्चों का सम्मान किया जाता है, जिस तरह कोई बड़ी परीक्षा पास करने के बाद बच्चों का सम्मान होता है,
वैसे ही समाज को ऐसे बच्चों का सम्मान करने की भी परंपरा विकसित करनी चाहिए जो खेलों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, और इसके लिए हम नॉर्थ ईस्ट से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। पूरे नॉर्थ ईस्ट में खेलों का जो सम्मान है, जिस तरह वहां के लोग खेलों को सेलिब्रेट करते हैं, वो अद्भुत है। इसलिए फुटबॉल से एथलेटिक्स तक, बैडमिंटन से बॉक्सिंग तक, वेट लिफ्टिंग से लेकर के चेस तक, यहां के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा से नित नया आकाश छू रहे हैं। पूर्वोत्तर की इस धरती ने खेलों को आगे बढ़ाने की एक संस्कृति विकसित की है। मुझे विश्वास है कि जो भी एथलीट्स इस टूर्नामेंट के लिए यहां आए हैं, वो नई चीजें सीखकर इसे पूरे भारत में लेकर जाएंगे। साथियों, खेलो इंडिया हो, टॉप्स हो या ऐसे अन्य अभियान हो, आज हमारी युवा पीढ़ी के लिए नई संभावनाओं का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। ट्रेनिंग से लेकर स्कॉलरशिप देने तक हमारे देश में खिलाड़ियों के लिए एक अनुकूल माहौल बन रहा है। इस वर्ष खेलों के लिए रिकॉर्ड 3,500 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। हमने देश के स्पोर्टिंग टैलेंट को साइंटिफिक अप्रोच के साथ नई शक्ति दी है। इसी का नतीजा है कि आज भारत हर प्रतियोगिता में पहले के मुकाबले ज्यादा मेडल जीत रहा है। आज दुनिया उस भारत को देख रही है जो एशियन गेम्स में नए रिकॉर्ड बना रहा है। आज दुनिया उस भारत को देख रही है जो पूरी दुनिया के साथ कॉम्पीट कर सकता है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भी भारत ने गजब की सफलता हासिल की है। 2019 में हमने इन खेलों में 4 मेडल जीते थे। मैं गर्व से कह सकता हूं कि 2023 में हमारे नौजवानों ने 26 मेडल जीते हैं, और मैं फिर कहूंगा कि मेडल्स की संख्या भर नहीं है, ये प्रमाण है कि अगर हमारे युवाओं को साइंटिफिक अप्रोच के साथ सहायता दी जाए तो वो क्या कर सकते हैं। साथियों, कुछ दिन बाद आप यूनिवर्सिटी से बाहर की दुनिया में जाएंगे। निश्चित तौर पर पढ़ाई हमें दुनिया के लिए तैयार करती है, लेकिन ये भी सच है कि खेल हमें दुनिया की चुनौतियों से लड़ने का साहस देते हैं। आपने देखा है कि सफल लोगों में हमेशा कुछ ना कुछ विशेष गुण होते हैं। उन लोगों में बस टैलेंट ही नहीं होता, टेम्परामेंट भी होता है। वो नेतृत्व करना भी जानते हैं, टीम स्पिरिट के साथ काम करना भी जानते हैं। इन लोगों में सफलता की भूख होती है, लेकिन वो हार कर फिर से जीतना भी जानते हैं। वो जानते हैं कि दबाव में काम करते हुए अपना बेस्ट कैसे देना है। ये सारे गुण पाने के लिए खेल एक बहुत बड़ा माध्यम होते हैं। जब हम खेलों से जुड़ते हैं तो इन गुणों से भी जुड़ जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, जो खेलता है वही खिलता है। साथियों, और आज मैं अपने युवा साथियों को खेलों से अलग भी कुछ काम देना चाहता हूं।
नॉर्थ ईस्ट की सुंदरता के बारे में हम सब जानते हैं। आप भी इन गेम्स के बाद मौका निकालकर अपने आसपास जरूर घूमने जाएं और सिर्फ घूमे ही नहीं, अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर भी करें। आप हैशटैग नॉर्थ ईस्ट मेमोरीज का उपयोग कर मुझे भी ये तस्वीरें भेज सकते हैं। आप लोग ये भी कोशिश करिएगा कि जिस राज्य में खेलने जाएं वहां स्थानीय भाषा के 4-5 वाक्य जरूर सीखें। वहां के लोगों से बात करने के लिए आप भाषिणी ऐप का भी इस्तेमाल करके देखिएगा, आपको सही में बहुत आनंद आएगा। साथियों, मुझे विश्वास है कि आप इस आयोजन में जीवन भर याद रखने वाले अनुभव साथ लेकर के जाएंगे। इसी कामना के साथ एक बार फिर मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।